गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की लास्ट क्लासेस के अंदर हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड आयोनिक बॉन्डिंग की यूनिट स्टार्ट की है। पिछली चार क्लासेस के अंदर हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड में कौन कौन सी एनर्जीज है, इनको डिस्कस करने के बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया था कि लेटिस क्या है, स्पेस लेटिस क्या है, प्रिमिटिव सेल्स क्या है, यूनिट सेल्स क्या है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक है जहाँ पर एक स्ट्रक्चर से यूनिट सेल रिपीट होती है। इस क्रिस्टल सेल के यूनिट सेल के बारे में फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई ना कोई उसका ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड है। हम कहीं ना कहीं उसके क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए एक ओरिएंटेशन डिस्कस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक स्ट्रक्चर है क्यूबिक, यहाँ पर मैंने थ्री एक्सिस बताए ए बी सी। ये स्ट्रक्चर में से अगर मैं केवल एक सिंगल प्लेन को लेता हूँ जिसको मैंने हाईलाइट किया है, आप इस प्लेन को देखें, ये इस एक्सिस को ए पे कट करता है लेकिन बी और सी एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट ए इन्फिनिटी इन्फिनिटी है। देखिए, हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह यहाँ पर भी तीन एक्सिस है, बट ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर और जरूरी नहीं है। दे मे बी प्रिमेटिव और दे मे बी नॉन प्रिमेटिव। तो हमें सबसे पहले क्रिस्टल में एक एक्सिस को डिस्कस करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रिमेटिव हो चाहे नॉन प्रिमेटिव, भाज्य हो या भाज्य। अब इनके अंदर हो सकता है तीनों के अलग अलग यूनिट हो। मान लीजिए एक एक्सिस को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, एक को बी से, एक को सी से। ए के अंदर जो एक फिक्स पार्ट है वो मल्टीपल ए का आ रहा है, बी में बी, सी में सी। हो सकता है एक स्ट्रक्चर इसीलिए मैंने लिया तो यहाँ पर मेरे पास इस प्लेन के कोऑर्डिनेट ए इन्फिनिटी इन्फिनिटी आया। इसी तरह से एक दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया जो इन थ्री एक्सिस को इस तरह से कट कर रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट ए में टू टाइम्स ए, बी में टू टाइम्स बी और सी में थ्री टाइम्स सी है। यह ए बी सी उन एक्सिस के फिक्स प्रिमिटिव्स हैं। ये प्रिमिटिव वेक्टर्स की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, क्यूब है तो तीनों इक्वल भी होंगे। तो ये हमारा ओरिएंटेशन एक तरह का हम क्रिस्टल का फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम क्रिस्टल में जो भी क्रिस्टल हमारा लेटिस है उसकी पोजिशन, उसका शेप फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास उसके जो एक्सिस पे इंटरसेप्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अब इन इंटरसेप्ट कई बार, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी इन्फिनिटी आया, यहाँ पर 2a, 2b, 3c आया, समटाइम ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। तो फ्रैक्शन में लिखना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर एक नया रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस एक इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है जो एक क्रिस्टल प्लेन की को रिप्रेजेंट करता है। अब क्रिस्टल प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें थ्री एक्सिस डिफाइन करने हैं, दैट मे बी प्रिमेटिव और नॉन प्रिमेटिव। मैंने तीन एक्सिस डिफाइन किए ए बी सी। अब इन एक्सिस के ऊपर जो भी मेरे अंतखंड आ रहे हैं, इंटरसेप्ट आ रहे हैं, वो ए की मल्टीपल में हम लेते हैं। से एक पी ए है, एक क्यू बी है और एक आर सी है। मीन्स ए एक्सिस पे पी मल्टीपल है, बी एक्सिस पे क्यू मल्टीपल है, आर एक्स सी एक्सिस पे आर मल्टीपल है। जैसे पहले वाले की कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक पी क्यू आर का रेशो आ जाएगा। अब फर्स्ट वाले में देखें, ये पी क्यू आर का रेशो है ए इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, क्योंकि ए पर ए है, बी और सी को कट ही नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी। लेकिन इस सेकेंड वन को देखें तो यहाँ पर हमारे 2a, 2b और 3c है, यानी अगर पी क्यू आर का रेशो देखता हूँ तो ये रेशो आएगा 2, 2 एंड 3। तो हमें जब मिलर इंडिसेस लिखने हैं तो मिलर इंडिसेस के लिए पहले हमें ए बी सी को डिफाइन करना है। ए बी सी के अंदर एक प्रिमेटिव कोई यूनिट को डिफाइन करना है, ए बी सी प्रिमेटिव वेक्टर्स हैं। हमने इंटरसेप्ट ए बी सी के मल्टीपल की फॉर्म में लेना है, ऐसे पी टाइम्स ए, क्यू टाइम्स बी, आर टाइम्स सी और पी क्यू आर के रेशो को लेना है। नाउ इसका रेसिप्रोकल करना है, हमें इनका रेसिप्रोकल लिखना है। जैसे इनका रेसिप्रोकल लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन में ये बन गया
अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में जैसे ही मैंने इसको लिखा ये 100 बन गया, ये अपने आप में एक होल नंबर है और ये अपने आप में मिरर इंडेसिस है। लेकिन सेकंड केस के अंदर ये फ्रैक्शन है, ये मिलर इंडिसेस नहीं है, मिलर इंडिसेस 100% हम मिलर इंडिसेस को नॉर्मली स्टैंडर्ड वे में HKL से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्रिमिटिव्स ABC हैं तो हम इसको HK और L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में नौ, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं यानी जो हर है मीन्स 2, 2 और 3 इसका LCM लेते हैं, यहाँ पर LCM आया 6, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/2 मीन्स 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, ये इसके मिलर इंडिसेस है। यानी मिलर इंडिसेस एक इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर जिस भी क्रिस्टल प्लेन के हमें मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं उसमें जो भी हमारे प्रिमिटिव एक्सिस हैं उसमें प्रिमिटिव्स को डिफाइन करना है और हमें इंटरसेप्ट्स को लेना है मल्टीपल ऑफ ABC में, मीन्स हमें PQR फाइंड आउट करना है, जो भी PQR का रेशो आ रहा है उसको रेसिप्रोकेट करना। और जैसे हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो उस रेसिप्रोकेट करने के बाद जो डिनोमिनेटर हर की क्वांटिटीज है उनका LCM लेना है और इसको कंप्लीट हर टर्म को LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक होल नंबर में आंसर आएगा, ये मिलर इंडिसेस है। ये डिफरेंट प्लेन्स के हैं, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है जितने पैरेलल प्लेन्स हैं उन सबके मिलर इंडिसेस सेम होंगे। फॉर एग्जांपल इसकी साइड ए थी, इसकी साइड 2B हो, इसकी साइड 2A हो, 3A हो, 4A हो, 4.5A हो, यानी ऐसे जितने भी क्यूब जो इसमें जिनके ये प्लेन्स पैरेलल हैं उन सबके मिलर इंडिसेस सेम होंगे। मिलर इंडिसेस पैरेलल प्लेन्स की फैमिली को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अगर मान लीजिए कहीं पे मिलर इंडिसेस 100 आया तो ये जितने भी पैरेलल एक्सिस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए मेरे पास 3, 3, 2 आया तो इसके जितने भी पैरेलल प्लेन्स हैं वो इन मिलर इंडिसेस से रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अगर हो सकता है कि किसी का मिलर इंडिसेस माइनस में आ रहा हो तो हम उसको बाहर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्योंकि ये मिलर इंडिसेस एक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर यूज़ करने का है तो यहीं पर एक और बात आती है कि इसका मतलब नंबर ऑफ प्लेन्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कहा अगर मान लीजिए एक ये एक्सिस था, यहाँ जितने भी नंबर ऑफ प्लेन्स हैं इन सबका रिप्रेजेंटेशन 100 से हो रहा है। अब टू प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अगर मेरे पास एच के और एल मिलर इंडिसेस हैं और प्रिमिटिव्स ABC हैं, से ए बी और सी, तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स हमारा आएगा 1/√H²/A² + K² / B² + L² / C² इसको हमें याद रखना है। ये मिलर इंडिसेस में दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के काम आता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने आज डिस्कस किया है, मिलर इंडिसेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्टल प्लेन्स। मिलर इंडिसेस नॉर्मली हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पर भी ये सिलेबस का पार्ट है फिजिक्स में, प्लस यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर भी इस पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे करा के आज की क्लास वाइंड अप करूँगा। नाउ हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। नाउ कुछ न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल लिखे हैं, सिमिलर बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न है जिसमें आपको दिया है कि किसी क्रिस्टल के अंत्यखंडों A, 2B और -3C दिए, यानी आपको प्रश्न में दिया है कि एक क्रिस्टल तल है जिसके अक्षों पर जो अंतक्षेप हैं या इंटरसेप्ट्स हैं, अंतखंड है, वो A, 2B और -3C है, इसके मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले अंत्यखंड में जो PQR है, जो ABC के मल्टीपल है, जो ABC के गुणज है उनको ज्ञात करना है। मेरे पास यहाँ पे गुणज आ गया A, 2 और -3, क्योंकि प्रश्न ने ऑलरेडी ABC दिए हैं, स्टैंडर्ड मीनिंग है, तो A का गुणज 1 है, B का गुणज 2 है और C का गुणज -3 है। मैंने इसको काम में लिया तो PQR का अनुपात आ गया 1, 2 और -3।
प्रश्न के अनुसार या हमें जिस तरह से मिलर इंडिसेस ज्ञात करने हैं उसके लिए हमें इन्हें रेसिप्रोकेट करना है, तो ये आ जाएगा 1/1, 1/2 और 1/-3। ध्यान रखें माइनस साथ में चलेगा, ऐसा कई बार प्रश्नों में माइनस आता है और हम वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो माइनस एज इट इज़ मल्टीपल का पार्ट चलेगा, एबीसी में माइनस नहीं छोड़ना है। नाउ ये एक होल नंबर नहीं है, यानी फ्रैक्शन है, हम यहाँ पे हर एक दो और माइनस तीन, माइनस छोड़ दीजिए एक दो और तीन का एलसीएम लेंगे वो आएगा 6। जैसे हमने इसको 6 को किया तो 6 को जैसे ही गुणज किया तो मेरे पास 6, 3 और -2 ये मिलर इंडिसेस आते हैं। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 6, 3, 2 बार। ध्यान रखें अगर कोई मिलर इंडिसेस नेगेटिव में आता है तो उसको बार में रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से जिस प्रश्न में अंतःखंड 0, 2B और -3C दिए थे उसके लिए हमारे मिलर इंडिसेस 6, 3 और 2 आ रहे हैं। अब ये दूसरा प्रश्न है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया, इसमें हमें दिया है कि एक क्रिस्टल तल है जो 3 प्रिमिटिव्स, जिनके प्रिमिटिव कांस्टेंट 2.58 है, 1.83 है, 2.7 एंगस्ट्रॉम है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी। जरूरी नहीं है तीनों समान, ये ऑलरेडी डिफाइन किया है कि प्रिमिटिव 2.5 ए है, 1.83 है, 2.7 है, और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1.29, 0.61 एंड 1.35। इसका मतलब यहाँ पर जब हमें इसको पी क्यू आर ज्ञात करना होगा तो पी क्यू आर ज्ञात करने के लिए जो इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं, इंटरसेप्ट कितना है 1.29, 0.61 और 1.35, इसमें से जो प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं उनका डिवीज़न करना पड़ेगा 2.58, 1.83 एंड 2.7, क्यों मुझे पी क्यू आर फाइंड आउट करना है। पी क्यू आर क्या है, मल्टीपल ऑफ ए बी सी, तो मल्टीपल ऑफ ए बी सी कैसे निकालेंगे, अंतःखंड में ए का भाग, अंतःखंड में बी का भाग और अंतःखंड में सी का भाग, तो मेरे पास पी क्यू आर आ जाएगा। आप यहाँ से देखें 1/2, 1/3 एंड 1/2, 1/2, 1/3 एंड 1/2, इसका रेसिप्रोकेट करूँगा तो मेरे पास सीधा रेसिप्रोकेट आएगा 2, 3, 2, यानी ये अपने आप में इसके मिलर इंडिसेस हो गए, क्योंकि यहाँ पे हर में कुछ है ही नहीं तो हमें इसको, ये ऑलरेडी होल नंबर में है तो इसका मिलर इंडिसेस हो गए 2, 3 एंड 2। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें एक घनीय जालक दिया है और घनीय जालक में एक ऐसा तल है जिसका मिलर इंडिसेस 101 है, मीन्स हमें ऑलरेडी मिलर इंडिसेस दिया है और हम यहाँ जानकारी लेना चाहते हैं कि दो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी क्या होगी। दो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने लिखा था, k² / b² + l² / c². प्रश्न में घनीय जालक है, घनीय जालक है इसका मतलब a, b और c तीनों इक्वल होंगे, हमारे तीनों प्रिमिटिव्स इक्वल हैं, तो अगर मैं इन तीनों को a मान लेता हूँ तो मेरे पास d का मान आ जाएगा, आप देखें h की जगह 1/a² + 0 + 1/a² अर्थात ये आ जाएगा 1/2/a² यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स आ जाएगा a/√2। इस तरह से हमें जब मिलर इंडिसेस दिया है, एबीसी का मान पता है, तो उस क्रिस्टल फैमिली के दो तलों के मध्य की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा आज का यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, हम किस तरह से मिलर इंडिसेस लिख सकते हैं, ये टेक्निक और कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है। रिमाइंडिंग पार्ट हम नेक्स्ट टर्म्स में करेंगे। थैंक यू।